तो इस वीडियो का सिर्फ एक ही एम है कि अपना करियर कैसे चूज करना है, सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखने आए हैं कि करियर्स आफ्टर ट्वेल्थ, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सेकेंड इशू है। सबसे मेन चीज़ ये है, करियर के लिस्ट तो पूरी इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर वेबसाइट बड़ी बड़ी लिस्ट एक ऐसे मुँह वाली फेंक देगी, बट क्या उसका स्कोप है, वहाँ पैसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें अलग हैं। उससे पहले के करियर चूज़ कैसे करें, वही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। सो ठीक है, इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एम वही है और उम्मीद करता हूँ आप देखें क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करियर चूज़ कैसे करना है, तो जब हम कहें कि करियर कैसे चूज़ करना है, तो नॉर्मल लोग जो आपको सबके सब कह देते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, सही कह रहे हैं, वो एकदम सीधी बात है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, पर कुछ खास दिमाग में नहीं आता है, इंटरेस्ट के नाम पे कुछ और ही घूमता है, समझ में आ रहा है, कुछ नॉन एजुकेशनल साइड ही इंटरेस्ट, कुछ फैंटेसी या कुछ एकदम अलग ही दुनिया का इंटरेस्ट हमारे सामने फॉर्म हो जाता है ब्रेन में। तो अब हमें उल्टा जाना है, तुम्हें जॉब कैसी चाहिए, एकदम आसान बात, तुम्हें काम कौन सा करना है। देखो डेफिनेटली पढ़ लिख रहे हो, पैसा चाहिए तुमको, एकदम सीधी बात है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा काम तुम्हें पसंद है, ठीक है। अब सपोज तुमने कोई चीज़ बताई कि ये काम करना तुम्हें पसंद है और तुम उसी फील्ड में आगे बढ़े, तो एक तो तुम तुम्हारा पसंद का काम करोगे, ऊपर से उसके लिए पैसे भी मिलेंगे, समझ में आ रही है बात, एक पर्सपेक्टिव था ये। सेकेंड पर्सपेक्टिव ध्यान से देखो तो 16 से 18 में 11 12th ख़त्म होता है, फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते 21 या 22 साल के हो जाओगे, उसके बाद डायरेक्ट सपोज जॉब पे लग गए या जैसे भी, कहने का मतलब 24 से 25 साल की उम्र तक तुम्हारी सब डिग्रीज विग्रीज सब की सब ख़त्म हो जाएंगी, ओके। उसके बाद जितनी भी ज़िंदगी है, जितनी भी बची कुछ ही बाकी, जितनी भी है, 50 साल हो, जितने भी साल हो, तुम्हें क्या करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, यानी कि कुछ ना कुछ जॉब करनी है। तो इसीलिए ये डिसीजन काफ़ी क्रूशल है, तो सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, इसलिए हर साल आप देखते रहोगे कि ये एक इंजीनियर था, फिर बाद में यहाँ बन गया और सक्सेसफुल हो गया, इंजीनियरिंग की उसने, डिग्री भी ली, बट सक्सेस किधर और ही, इसने ये कोर्स किया फिर कुछ और बन गए, तो कॉमन चीज़ें होती जा रही हैं। सो थिंक अबाउट द जॉब यू वॉन्ट, तो सोचो कि किस तरीके का काम करना आपको पसंद है, किसी को कुछ नॉलेज देना पसंद है, या किसी से कुछ बात करना पसंद है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, या उस चीज़ को हील करना पसंद है, या फिर एकदम कुछ डॉक्टर ही बनना है तो उसमें भी आयुर्वेदिक, या जानवरों का या इंसानों का, या फिर डॉक्टर तो नहीं बन सकते, इतना कुछ है भी नहीं हमारे पास, बजट भी नहीं है, मार्क्स भी नहीं है, पर फिर भी बॉडी रिलेटेड एक्यूप्रेशर और मसाज टाइप, तो वो सब इसमें आ जाएगा, फिजियोथेरेपी, या माइंड रिलेटेड साइकेट्रिस्ट, या कुछ एकदम टेक्निकल काम पसंद है, टेक्निकल मतलब ये सब नहीं जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, फालतूगिरी हो गई है, अलग ही लेवल पे चला गया है, वैसा कुछ भी नहीं, प्योर टेक्निकल, रियल में टेक्निकल, कुछ अच्छी सी गेम बनानी है, अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, या कोई टेक्निकल कुछ भी मॉडल बनाना है, या फिर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कुछ गाड़ी रिलेटेड, गाड़ियों के वर्किंग में इंटरेस्ट होना, समझ में आ रही है बात, या किसी को समझाना, एज ए टीचर बनना, तो ये सब आ जाएगा हाउ टू चूज़ योर कैरियर में फर्स्ट, कि जॉब कैसा करना है। तो सपोज़ पॉज करके भी आप सोच सकते हो, ठीक है, पॉज करके सपोज़ आपने सोच लिए, ठीक है, अब आपने सोच लिया कि 2-3 चीज़ें हैं मेरे सामने जो मुझे पसंद हैं, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप, जो आपकी मार्क्स आई हैं, क्या अब सपोज आपने 2-3 चीज़ें सोची हैं, तो जितनी आपने मार्क्स ली हैं क्या उससे आपको एडमिशन मिल सकता है क्या, देखो मार्क्स देखो और सोचो। एकेडमिक इंटरेस्ट, क्या आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है क्या, फॉर एग्जांपल मेरी बैच जो थी, जो मेरे ज़माने में, उसमें से 11 जने गए थे फार्मेसी में,
फार्मेसी आपको पता रहेगा, जो भी मेडिकल शॉप्स या स्टोर्स रहते हैं सब में फार्मेसी की एक डिग्री चाहिए रहती है, बी फॉर्म, डी फॉर्म, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बैचलर डिग्री चाहिए रहती है। तो 11 जने गए थे फार्मेसी में, उसमें से लगभग सबकी केमिस्ट्री काफ़ी 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 वीक थी, बट फिर भी उन्होंने एम कहाँ रखा था, उन्होंने एम रखा था कि हमारी एक फार्मेसी की दुकान होगी जहाँ पर सब कस्टमर्स आएंगे, सब लाइन लगेगी, मस्त दवाइयाँ बेचेंगे। किसी ने सोचा हॉस्पिटल के नीचे दुकान होगी, मस्त लाइफ सेट रहेगी, तो ऐसा उनका एम था। बट एकेडमिक्स के बारे में शायद ही किसी ने सोचा था, या उन्होंने सोचा था कि कर लेंगे कर लेंगे। तो 11 में से 10 जने तो या तो फर्स्ट ईयर में फेल हुए, या तो सेकंड ईयर में फेल हुए, या तो फर्स्ट ईयर में फेल नहीं हुए बट फिर भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो इसमें से जो 11 जने थे गए थे फार्मेसी में, उसमें से सिर्फ एक ही आगे तक पहुंच पाया है। आधे बीएमएस में आ गए, किसी ने आर्किटेक्चर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, अब उन्होंने अपने इंटरेस्ट का लिया है। तो देखो जो सब्जेक्ट है, जो वहाँ पर मुझे पढ़ना है कंटेंट, क्या वो मेरे पसंदी का है क्या। सो थर्ड चीज़ आ जाती है बजट, इज़ इट अफोर्डेबल, क्या वो अफोर्डेबल है, क्योंकि काफ़ी कोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे अभी पायलट बनने का कोर्स है तो उसकी फ़ीस लगभग 60 लाख तक जाती है, 60 लाख से 80 लाख। तो सपोज़ आपने कर लिया, कोर्स में आ गए, पेरेंट ने कहा मैं भरने को तैयार हूँ, आप आ गए, सब कर दिया, फिर आगे जाके कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, या चलो इन्होंने बजट लेके भर भी दिया, फिर पता चला आगे जॉब ही नहीं है। अब आगे जॉब ही नहीं है, तुम पायलट बने हो तो प्लेन चाहिए उड़ाने को, तो क्या आपको लगता है कि समझ में आ रहा है कि जॉब के चांसेस कितने से छोटे हैं। तो वो भी देखो कि जितना मैं मनी लगा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि सारी ज़िंदगी वन साइड हो जाएगी कि बड़ा कर्ज़ा लेके एकदम कोर्स में लगा दिया, क्योंकि जॉब्स हर जगह थोड़ी इतनी सारी भरी पड़ी हैं। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया, अगर नॉर्मल मनी है या थोड़ा सा ज़्यादा है तो उतना इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली करना पड़ता है। सो थर्ड चीज़ आ जाती है स्कोप। स्कोप के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला होता है ब्रांच का स्कोप, जो मूवीज़ में दिखाते हैं, जो बड़ी चरी, जो मतलब बड़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनमें दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि देखें फिज़िक्स का स्कोप, ओके मस्त एकदम 30 सेकंड्स में दुनिया थोड़ी सी हिल सकती है आपकी। फिज़िक्स का स्कोप क्या है, तो जब मैं अपना कोर्स ले रहा था 12th के बाद, तो मैंने डाला BSc फिज़िक्स, तो मस्त मस्त वीडियोस आ गई, स्कोप ऑफ फिज़िक्स एकदम पूरा यूनिवर्स दिखा रहे थे, प्लैनेट्स दिखा रहे थे, एकदम कुछ एकदम बहुत ऊपर लेके गए कि फिज़िक्स इज़ द नेचर, फिज़िक्स इज़ द फ्यूचर, पूरा ऐसे बड़ा मैं एकदम बोला हाँ हाँ मैं भी फिज़िक्स करूँगा, मैं भी फिज़िक्स करूँगा। तो ये होता है स्कोप ब्रांच का। दूसरा आ जाता है स्कोप पैसा कितना मिलेगा। तो मुझे बताइए आपकी फैमिली आपसे उम्मीदें लगा के बैठी है कि कुछ बेटा या बेटी कमाएगा, तो कौन सा स्कोप मैटर करता है, ये वाला कि ये वाला। तो आंसर है ये वाला। तो देखो वहाँ पर पैसे कितने मिल रहे हैं, यानी कि कुछ है सही जॉब या नौकरी वगैरह है सही, जैसे कि अब BSc फिज़िक्स, तो अगर आप BSc फिज़िक्स करते हैं तो हार्डली यहाँ पर कोई भी जॉब अवेलेबल है। मेरे पूरे क्लास में सब अभी कहाँ लगे हैं जॉब पे, BSc फिज़िक्स इस साल मेरा ख़त्म हुआ, कोई जियो की कंपनी में लगा है, कोई एयरटेल की कंपनी में लगा है। तो देखो कि भाई साहब जॉब है क्या। सो एक सेकेंड, शायद से स्विच ऑफ हो रहा है सेलफोन, नहीं काफ़ी बैटरी पड़ी है, काफ़ी नहीं थोड़ी। सो वो चीज़ देखो कि स्कोप है क्या। उसके बाद कॉलेज, अब कॉलेज तभी देख सकते हो जब अच्छी खासी मार्क्स हैं, अच्छा खासा बजट है, बट फिर भी देखो कि कॉलेज प्लेसमेंट वाला है क्या। प्लेसमेंट का मतलब नौकरी दे रहा है क्या कॉलेज। अगर कोई कॉलेज नौकरी देने के लिए तैयार है, यानी कि थर्ड या फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स की कंपनीज आती हैं, तो डेफिनेटली आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल कॉलेज है जहाँ पर कंपनी नहीं आती है। बट हर सिचुएशन में ये सही नहीं होगा, लगभग आपको कोई ऐसा ही कोर्स 50% चांसेस हैं कि कंपनी आए। सो जैसे कि मेरा कोर्स, कोई कंपनी क्या, कोई मतलब जब तक BSc किया है, ग्रेजुएशन अपनी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो जॉब है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शायद कुछ हो जाए, क्योंकि
टीचिंग में काफ़ी लॉन्ग रन डिस्टेंस पढ़ाई है, बट हर जगह ऐसा नहीं है. सो अगर कॉलेज प्लेसमेंट देने को तैयार है, सो डेफिनेटली वो कॉलेज चूज़ कीजिए, एज कम्पेयर टू जहाँ पर कोई कंपनी नहीं आती, कुछ अता पता नहीं है जॉब का. सो आई थिंक अब सब कुछ सफिशेंट है. पहले देखिए जॉब क्या करना है, कैसे करना है, काम कौन से काम करने में इंटरेस्ट है, फिर देखिए मार्क्स हैं क्या वो कोर्स लेने के लिए, एकेडमिक इंटरेस्ट जो वहाँ की किताबें हैं वो इंटरेस्टिंग लग रही हैं क्या, बजट है क्या उतना, स्कोप वो वाला स्कोप नहीं कि फिज़िक्स का बहुत स्कोप है, वो सब नहीं, मनी मिल रही है क्या. और उसके बाद फाइनली जो कॉलेजेस होंगे उसमें से आप प्लेसमेंट और फीस कंपेयर करके आप एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं. सो आई होप यहाँ ये सब होने के बाद आपको सब चीज़ें क्लियर होगी कि करियर कैसे चूज़ करना है. ये सब चीज़ें एक तरफ, अब डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड, 10 सेकेंड का मेथड. सपोज़ जिस दोस्त से आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो, जो आपका सो कॉल्ड BFF है, सपोज़ उसको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ एक्सीडेंट या कुछ भी उसको हो जाता है, ये हुआ सुबह उसके साथ, शाम को आप ऐसा कौन सा काम है जो आप करेंगे और आपका मन लगेगा, सोच के देखिए. थोड़ा गंदा क्वेश्चन है कि आपके लविंग पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, वो तकलीफ़ में है, बट ऐसा कौन सा काम है जो उस दिन आप शाम को करने के लिए तैयार हैं. सो डेफिनेटली वही आपका पैशन है. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि करियर कैसे चूज़ करना है. सो ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे कौन से करियर्स अवेलेबल हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.